आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं सिखाऊंगी बची खुची ऊन से डोरमेट। उसके लिए ये देखें, हमने कलर लिए हैं और ये 8 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अब देखें किस तरह से हम फिंदे डालेंगे। पहले फिंदे में ग्रीन से डालूंगी, ये देखें इस तरीके से। इसमें एक नॉट लगा लेंगे। बिल्कुल मैं नई तरीके से फिंदे डालना बता रही हूँ, इसमें कोई झंझट नहीं होता है और आराम से फिंदे पड़ जाते हैं। ये देखें नॉट लगाते हुए इस तरह से आपको 10 फिंदे डालने हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 फिंदे, सॉरी यहाँ पे 10 फिंदे हैं तो 5 के जोड़े से हैं ये। अब देखें हम वाइट कलर से डालेंगे, तो वाइट कलर से इस तरह से फिंदे डालेंगे। देखें डबल वूल है मेरी, इस तरह से 2 3 4, तो 4 फिंदे डाल लिए। अब देखें रेड कलर से, अब रेड कलर से फिर से हम नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखें इस तरीके से नॉट लगाएंगे ताकि ये नॉट खुले नहीं। ये देखो इस तरीके से नॉट लगा लेंगे और इसमें इस तरीके से फंसा लेंगे। अब हम 10 फिंदे डालेंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फिंदे डाल लिए, 1 1 2 3 4 5। अब देखें ग्रीन वाइट येलो, वो सॉरी रेड, आप देखें येलो कलर से डालेंगे। उसी तरीके से नॉट लगाएंगे, ये देखें आपको नॉट लगानी आती होगी इस तरीके से, और नहीं आती है तो इसी तरीके से नॉट लगाना सीख लें। ये देखें और 10 फिंदे हम ऊपर की साइड पे डालेंगे, तो 34 फिंदे में इसको बताऊंगी। ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 के जोड़े से डाले हैं, तो 10 फिंदे 10 इधर 10 इधर 10 बीच में ये नीचे साइड पर, और 4 फिंदे हमने ये बीच में लिए हैं। तो इस तरह से आप देखें किस तरह से बनेगा। ये देखो इस तरीके से बुनते जाएंगे। इसको खींचना नहीं है, खींचेंगी तो ये धागा बचेगा, तो इस तरह से पास ही पास हल्का हल्का बुनते जाना है। अब ये देखें हमने 9 फिंदे बिन लिए। अब एक फिंदे को मैं इस वाले फिंदे को थोड़ा लूज कर लेंगे, क्योंकि ये नॉट वाला फिंदा है, और इसको आगे की साइड लाएंगे। और ये देखें इस तरीके से एक फिंदे को हमने बिन लिया येलो कलर वाला, और शुरू ही से बनाना है इसको। ये देखें इसको खींचेंगे नहीं, बिल्कुल पास पास से बिनेंगे, नहीं तो गैपिंग हो जाएगी। ये देखो मैं पास पास से बिन रही हूँ। अब देखें यहाँ नॉट वाला फिंदा है, तो इसको हम आगे की तरफ करेंगे और इसको पीछे की तरफ चलाएंगे इस तरीके से। 4 फिंदे यहाँ पे बिन लेंगे। अब देखें इस वाले फिंदे को इस तरीके से कर दिया इस तरीके से, और 2 फिंदे हम नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। ये देखो 2 फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लेना है।
अब जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है इसको। एक बार देख लें किस तरीके से हम आगे की साइड पे धागे को ले आएंगे। ये देखो, अब जो हमने इस तरह से किया और बाइट वाले को आगे की साइड लाएंगे इस तरीके से, और चार फंदे इस बाइट वाले से बिन लूंगी। अब देखें इधर हमने कर लिया इस तरह से, अब ये रेड वाला आगे लाई, अब रेड वाले से इस तरह से बुनते जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरीके से बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ और आप भी बना लें, ताकि आप साथ साथ बनाएं तो आपका ये बन जाएगा। इसी तरीके से बनाना है। देखो हमने रो निकाल ली है और आठ फंदे हमने सादा बिन लिए हैं ऊपर की तरफ से। अब देखें फिर से येलो वाला फंदा रेड हो जाएगा, बाकी फंदे ये देखें दो फंदे हमने बिन लिए, अब ये ब्लैक कलर लगाना है। तो ब्लैक कलर हम लगा लेंगे इस तरह से, एक फंदे को ब्लैक कलर बिनेंगे। अब दो फंदे हमने सादा बुन लिए, फिर से एक फंदे को ब्लैक बिनेंगे, दो फंदे सादा, फिर से एक फंदे को ब्लैक कलर, और यहाँ पे एक फंदे को रेड और रेड वाले फंदे को वाइट। वाइट वाले फंदे को नीचे की साइड से ग्रीन हो जाएगा। ये अब दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, दो पहले छोड़े थे, दो अभी छोड़ दिए, और दो दो करके छूटते जाएंगे। आप ये फटी पुरानी साड़ी से भी बना सकती हैं, और या मैक्रम वगैरह आपके पास पड़ी हो उससे भी बना सकती हैं। मैंने ये 34 फंदे में बना रही हूँ भूल से, आप अगर बनाएंगी तो 34 फंदे में बनाएंगी साड़ी या फटी पुरानी चुन्नी से, तो आपका 34 फंदे में ये बहुत सुंदर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखो इसी तरह से, ये जो जैसे कलर है उसी तरह से बुनना है। तो मैं बुन लेती हूँ फिर आप। ये देखो हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखें इस तरह से एक फंदे को साइड वाला उतारना है। अब देखें यहाँ पे सात फंदे बुने, अब ये येलो वाला रेड हो जाएगा और ये रेड सारे फंदे रेड हो जाएंगे इस तरीके से आप बनाएंगी। ये देखें हमने सारे फंदे रेड कर लिए। और ये ब्लैक वो रेड वाला वाइट हो जाएगा इस वाले को। इसको ध्यान रखिएगा, एक एक फंदे को हम ऊपर की साइड बना रहे हैं और नीचे की साइड पे दो फंदे में बगैर बुने हुए छोड़ रहे हैं। ये देखो छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलटती जा रही हूँ। अब जो जैसा कलर है उसी कलर से आपको बनाना है। आप फिर से देखें छह फंदे हमें बिन लूंगी ऊपर की तरफ से। ये देखो हमने बिन लिए, अब ये येलो वाला रेड हो जाएगा। एक एक फंदे को रेड करना है, येलो वाले रेड करना है एक एक फंदे को, और रेड वाले बाइट से बनाना है एक एक फंदे को। इसमें सॉरी इसमें डिजाइन डालनी थी तो इसलिए हम पूरी रो इसी तरह से निकल गए।
निकाल ली है। ये देखो डिजाइन डालने हैं, दो सलाई सादा निकालनी है और एक सलाई पे हमें डिजाइन डालनी है। तो दो सलाई ये भी हो जाती हैं क्योंकि हम दोनों तरफ से बुनते हैं। अब दो फिंदे हमने उसी तरीके से देखे, एक फिंदे को रेड का ब्लैक करती जा रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो जैसा है उसी तरह से बिनेंगे और एक फिंदे को ऊपर की साइड से, ये देखें ग्रीन है तो हम ग्रीन से कर लेते हैं। और दो फिंदे हम लास्ट में बगैर बुने हुए छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से। अब पूरी रो इसी तरीके से निकालेंगे, जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। ये देखो अब सारे फिंदे हम रेड कर लेंगे, दो सलाई इसकी निकाल देंगे, फिर उसके बाद डिजाइन डालेंगे तो ऊपर की साइड पे दो फिंदे बचेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरीके से आप बनाइएगा, मैं भी बना लेती हूँ, फिर आप को दिखाऊंगी। मैंने बना लिया है, अब नीचे की साइड देखते हैं कितने फिंदे मैंने छोड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 16 फिंदे मैंने, दो के जोड़े से गिने हैं तो 16 फिंदे मैंने नीचे की साइड पे छोड़ दिए और ये बुने हुए फिंदे हैं सारे, और दो फिंदे देखें ऊपर की साइड पे बचे हुए हैं। अब लास्ट में ग्रीन दो फिंदे बचना चाहिए, तो बड़ा बनाएं या आप छोटा बनाएं या इसी साइज का बनाएं तो इसी तरह से बनेगा नीचे। और ये फिंदे जो चार हैं ये आप चार ही डालेंगी तभी आपका सुंदर बनेगा। चार फिंदे डालेंगी और ये बराबर बराबर डाल लीजिएगा, तीन जगह जितने भी आप डालना चाहती हैं, जैसे 16-16 डाल लीजिएगा। अपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो 20-20 फिंदे डालिएगा, यहाँ 20, यहाँ 20 और ऊपर 20। अब देखें पूरी रो येलो कलर की हो जाएगी। ये देखें सारे फिंदे येलो, जो 34 फिंदे डाले हुए हैं, 34 फिंदों को हम इसी तरीके से बिनेंगे। तो मैं बिन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है, अब इस तरह से ये कलियाँ बनती जाएंगी आपकी। आप देखें दूसरी कली स्टार्ट करके मैं दिखाती हूँ, 10 फिंदे मैं येलो कलर से बिनूंगी। और ये वाला कलर अपने साथ में लाऊंगी। ये देखो 10 फिंदे मैंने बिन लिए, अब ये 10 फिंदे रेड कलर से बनाऊंगी। अब इस वाले कलर को यहीं छोड़ देंगे, वाइट वाले को आगे की साइड लाएंगे। ये देखें इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये देखें 5, तो दो के जोड़े से बनाया तो ये 10 हो गए। अब यहाँ पे देखें 4 फिंदे सादा ये वाले, बाकी फिंदे ये ग्रीन कलर से बना लूंगी, जो 10 फिंदे बचे हुए हैं। पूरी रो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी साइड से कंप्लीट कर ली। अब एक एक फिंदे को आगे की साइड बढ़ते जाएंगे। ये देखो जिस तरह से हमने ये वाली कली बनाई है इसी को रिपीट इधर भी करते जाएंगे, यही कली को सेम रिपीट करेंगे। अब हम डिजाइन वाली ये बीच में बनाते जाएंगे और उस बाकी सादा सादा बनाते जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बना लिया है इसको, अब देखें किस तरह से उतारेंगे इसको। ये देखें दो का एक करते हुए इसको उतार देंगे। तो
मैं उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने इसको उल्टा कर लिया है, अब मैं इसको सिल दूंगी। तो सिलेंगे किस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से सिलना है। यहाँ बाइट बाइट में मिलाना है, तभी आपका सही लगेगा ये। और ये इस तरीके से, तो इस तरीके से सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया। बीच में मैंने फूल भी लगा लिया है, ये देखें बहुत सुंदर लग रहा है।